वेलकम फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि ये हमारे पास पेशेंट हैं जो कि करीब 40 साल के हैं। 1.5 साल से ये टेनिस एल्बो के दर्द से बहुत परेशान थे। इन्होंने स्टेरॉयड इंजेक्शन भी लगाया, इन्होंने कई दिन फिजियोथेरेपी भी कराई और इनको कोई आराम नहीं मिला। आज ये इनका तीसरा दिन है जब हम ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं। ये वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं कि वो लोग जो भी थेरेपी कराते हैं वो इन सब चीज़ों का यूज़ ज़रूर करें थेरेपी में, इससे पेशेंट को सबसे ज़्यादा आराम मिले। इसको हम ISTM बोलते हैं या स्क्रैपिंग बोलते हैं। इससे जो मसल और टिश्यूज़ के ऊपर जो भी सूजन होती है, टाइटनेस होती है, वो कम हो जाती है। अगर आप टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो में देखें, जब तक कि सूजन कम नहीं होगी पेशेंट को कोई आराम नहीं मिलेगा। और स्टेरॉयड इंजेक्शन का मुझे कभी भी समझ नहीं आया कि खासतौर से टेनिस एल्बो में कोई रोल नहीं है। मैंने खुद भी अपने कई पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन लगवाने के लिए ऑर्थोपेडिशियन के पास भेजा और अपने सामने लगवाए, बट मुझे नहीं याद है कि किसी को कोई भी आराम मिला। जब हमें ये पता है कि इन सब चीज़ों से आराम नहीं मिलेगा तो हम आज भी वही सब चीज़ें क्यों करते हैं जो कि आज से कई 20, 25, 30, 40 साल से 50 साल से की जा रही है। अगर आप में से भी कोई टेनिस एल्बो से परेशान है, जो कि एक एल्बो के बाहर का दर्द होता है और कई बार एल्बो के अंदर का दर्द जिसको गोल्फर्स एल्बो बोलते हैं, तो ये थेरेपी अपने आसपास ज़रूर यूज़ करें। इनसे आपको 100% आराम मिलेगा। हमारा क्लिनिक दिल्ली में है, जहाँ कि आप आके अपने टेनिस एल्बो का, स्पाइन का, नेक का, बैक का, घुटनों का, सारे दर्दों का इलाज करा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर जीतू मिश्रा है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।